Hi students, this is Rajesh here. And very, very good evening to all. This is the lecture 1 of class 10 geography chapter 1. इस लेक्चर सीरीज में हम लोग ज्योग्राफी के चैप्टर 1 का कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे. इस चैप्टर का नाम है आपका रिसोर्स एंड डेवलपमेंट. ठीक है, तो सबसे पहले आपको रिसोर्स के बारे में जानना होगा कि रिसोर्स कहते किसको है. तो एनीथिंग विच सेटिस्फाई आवर नीड इज नॉन एज रिसोर्स. कोई भी चीज़ जो हमारे ज़रूरत को पूरा करता है उसको क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं. सेकेंड पॉइंट ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. पहला, इंटरडिपेंडेंसी ऑफ नेचर टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन. इसका मतलब होता है कि प्रकृति, तकनीक और संस्थाएं कैसे डिपेंडेंट है. तो देखिए, आपको जो फिगर दिख रहा है, ह्यूमन बींग क्या करता है, नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन, तीन चीज़ का इस्तेमाल करके रिसोर्स बनाता है. ठीक है, तो याद रखेंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैसे, व्हाट आर द इंटरडिपेंडेंसी ऑफ नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन. तो हम लोग एक ट्रायंगल बनाएंगे, बीच में ह्यूमन बींग होगा जो तीनों का यूज़ करके रिसोर्स का मैक्सिमम यूज़ करता है. ठीक है, अब देखिए डेफिनेशन ऑफ अ रिसोर्स क्या, समथिंग विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स. कोई भी चीज़ जो हमारे ज़रूरतें को पूरा करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं. अब रिसोर्स को ह्यूमन कैसे यूज करता है, फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन. देखो, फिजिकल एनवायरनमेंट है नेचर, नेचर ने जो हम लोग को दिया है उसको, उसका फिर थोड़ा सा टेक्नोलॉजी और थोड़ा सा फैक्ट्री का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को रिसोर्स बनाते हैं. सेकंड चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि ह्यूमन जो है खुद एक रिसोर्स है, तो ह्यूमन आर इटसेल्फ एज अ रिसोर्स. नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स में क्या आता है. तो रिसोर्स को हम लोग बहुत तरह के बेसिस पर बांटे हैं. ठीक है, तो देखते हैं हम लोग रिसोर्स. सबसे पहले हम लोग रिसोर्स को हमने चार क्लासिफिकेशन में बांटा. पहला, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, जो कि बायोटिक और अबायोटिक होगा. दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, मतलब कोई चीज़ ख़त्म होगा या नहीं होगा, जिसे हम लोग रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल कहते हैं. तीसरा, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कोई भी रिसोर्स किसी इंडिविजुअल का है या किसी समुदाय का है या पूरा नेशनल का है, राष्ट्र का है या इंटरनेशनल का है. और चौथा, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कि रिसोर्स हमारा बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, मतलब वो पोटेंशियल में है कि डेवलप्ड में है, कि स्टॉक में है, कि रिजर्व में. आगे जाके आपको सारे इन सारे टर्म्स का मतलब पता चलेगा. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले फ्लो चार्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स का. तो हम लोग जानते ना कि ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है, कि कौन चीज़ ख़त्म हो जाएगा और कौन चीज़ ख़त्म नहीं होगा. तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी हम लोग रिसोर्स को दो पार्ट में डिवाइड किए, एक रिन्यूएबल और एक नॉन रिन्यूएबल में. ठीक है, तो रिन्यूएबल किसको बोलते हैं, जिसको हम लोग नया कर सकते हैं उसे रिन्यूएबल, और जिसे नया नहीं कर सकते उसे नॉन रिन्यूएबल. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब क्या हुआ, कि कहाँ से आया है. तो देखो, बायोटिक और अबायोटिक, बायोटिक मतलब जिसमें जान होता है, अबायोटिक मतलब जिसमें जान नहीं होता है. ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप में हम लोग बोले ना इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल. ठीक है, अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन को हम लोग को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना. तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन जो रिसोर्स होता है वो दो प्रकार का, बायोटिक और अबायोटिक. बायोटिक रिसोर्स जिसमें लाइफ है, वो रिसोर्स जिसको में लाइफ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायोटिक. जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स. तो स्पेसीज ऑफ प्लांट्स को हम लोग फ्लोरा बोलते हैं, स्पेसीज ऑफ एनिमल्स को हम लोग फौना बोलते हैं. ठीक है, याद रखिएगा, स्पेसीज ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के जो स्पेसीज होते हैं उसको हम लोग फ्लोरा बोलते हैं, और एनिमल्स के स्पेसीज को हम लोग फौना बोलते हैं. अबायोटिक रिसोर्स किसे बोलेंगे, वो रिसोर्स जिसमें लाइफ नहीं है उसको अबायोटिक रिसोर्स बोलेंगे. ठीक है, नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब कौन चीज़ ख़त्म होगा, कौन चीज़ ख़त्म नहीं होगा. तो इस बेसिस पर रिसोर्स दो प्रकार के होते हैं, रिन्यूएबल जिसको हम लोग नया कर सकते हैं, ठीक है, बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस. तो वो चीज़ जिसको हम लोग फिजिकल, केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा नया कर सकते हैं उसको रिन्यूएबल बोलते हैं, और जिसको नया नहीं कर सकते उसको नॉन रिन्यूएबल. एग्जाम्पल किसको नया कर सकते हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब एनर्जी को, वाटर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी. ठीक है, यहाँ पर और एक एग्जांपल डाल सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये भी हो जाएगा. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स किसको बोलेंगे, वो रिसोर्स जिसको हम लोग नया नहीं कर सकते हैं, जिसको सालों या मिलियंस ऑफ ईयर लग जाता है बनने में, उसी को हम लोग नॉन रिन्यूएबल कहते हैं. इसको फिर से रिसाइकल हम लोग नहीं कर सकते. ठीक है, अब देखिए, तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप का मतलब क्या होता है, ऑनरशिप का मतलब होता है कि इसका कौन आपका मालिक है. ठीक है,
तो द बेसिस ऑफ ओनरशिप रिसोर्स होते हैं दो प्रकार के, इंडिविजुअल रिसोर्स, वो रिसोर्स जो कि एक आदमी दैट इज प्राइवेट किसी एक आदमी के पास होता है उसका मालिकाना हक, उसको हमने इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं, जैसे प्लांटेशन, पेस्चर लैंड, तालाब, वाटर, इनवेल सिटी सी। कम्युनिटी रिसोर्स किसको बोलते हैं, वो रिसोर्स जिसका हक सारे कम्युनिटी के मेंबर्स के पास होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिटी रिसोर्स बोलते हैं, जैसे पब्लिक पार्क हो गया, पिकनिक स्पॉट हो गया, प्लेग्राउंड हो गया, यहाँ सब कोई जा सकते हैं। नेक्स्ट है तीसरा आपका नेशनल रिसोर्स, तो नेशनल रिसोर्स किसको बोलेंगे, वो रिसोर्स जो कि पूरा एक देश का होता है उसको हम लोग नेशनल रिसोर्स। मजे की बात, इंपॉर्टेंट बात ये आपको याद रखना है कि ऑल मिनरल्स, वाटर रिसोर्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ विद इन 12 नॉटिकल लाइन बिलोंग टू द नेशन, मतलब जितना भी खनिज है, जितना भी सब्सटेंस, जितना भी जंगल है या जितना भी जानवर लोग है जो कि देश का ओशियन से, मैंने देश का बाउंड्री से 12 नॉटिकल माइल्स तक जो भी चीज़ आता है वो नेशनल रिसोर्स में आता है। देखिए आपको ये फिगर में दिख रहा होगा, ये जो फिगर है यहाँ पर, तो ये आपको बाउंड्री दिख रहा है ना, ये बाउंड्री से 12 नॉटिकल माइल्स, ये जो दिखा रहा है रो, ये कितना 12 नॉटिकल माइल्स, इसके अंदर जो भी चीज़ होगा वो आपका नेशनल रिसोर्स के अंदर आएगा, ठीक है। इंटरनेशनल रिसोर्स किसको बोलते हैं, वो रिसोर्स जो कि हमारे बाउंड्री से 200 नॉटिकल माइल्स के बीच में, किसमें 200, तो समझो ये हमारा ये जो पार्ट है ये, हाँ ये जो हुआ आपका हुआ भारत का बाउंड्री, इससे 12 नॉटिकल माइल्स को जो भी चीज़ आएगा वो नेशनल रिसोर्स के अंदर आएगा। और अगर इससे आप 200 नॉटिकल माइल्स मतलब और दूर चले जाओ, ठीक है, 200 नॉटिकल माइल्स मतलब ये मान लो ये भारत है, तो इससे तुम 200 नॉटिकल माइल्स अगर चले जाओगे तो इसमें जो भी रिसोर्स है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, जो भी चीज़ पाया जाएगा वो इंटरनेशनल रिसोर्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और कोई भी कंट्री जो है यूज नहीं कर सकती इंटरनेशनल रिसोर्स को बिना यूएन के, यूएन किसको बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस, यूएन के परमिशन के बिना। नेक्स्ट आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, तो डेवलपमेंट के स्टेटस पे रिसोर्स कितना प्रकार का होता है। पोटेंशियल रिसोर्स, वो रिसोर्स विच आर फाउंड इन रीजन बट नॉट आर प्रॉपर्ली यूज, मतलब देखो वो संसाधन जो कि कहीं जगह पर पाए गए हैं या पाए जा रहे हैं, ठीक है, या है भी लेकिन उनका अच्छी तरीके से उपयोग नहीं हो पा रहा। फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल में अच्छे टीचर है लेकिन आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, आप लोग उनका उपयोग नहीं कर पा रहे, तो वैसा रिसोर्स को हम लोग पोटेंशियल रिसोर्स बोलेंगे, जो कि है लेकिन आपका उस लोग का आपको अच्छा से यूटिलाइज उपयोग नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल गुजरात में सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा है और राजस्थान में विंड एनर्जी, मतलब राजस्थान और गुजरात में सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा लेकिन इसका यूटिलाइज हम लोग नहीं कर पा रहे। डेवलप्ड रिसोर्स किसको बोलेंगे, वो रिसोर्स जिसका क्वालिटी और क्वांटिटी हम लोग पता लगा चुके हैं और उसका हम लोग यूज़ भी कर रहे हैं। जैसे मान लो कि हम भारत में 25,000 करोड़ टन कोयला है, तो वो रिसोर्स जिसका तुमको पता है कि भाई कितना है, ठीक है, मतलब तुमको उसका क्वालिटी पता है कि किस किस प्रकार का कोयला मिलेगा और तुमको ये भी उसका क्वांटिटी भी पता है कि कितने कितने में, कितने अमाउंट में कोयला है, कोल है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेवलप्ड, ठीक है। तो अंतर क्या हुआ, पोटेंशियल का मतलब होता है लेकिन उसका यूज़ नहीं किए, और डेवलप्ड का मतलब क्या हुआ कि उसका हम क्वालिटी भी पता कर लिए, क्वांटिटी भी पता कर लिए। स्टॉक किसको बोलते हैं, वो रिसोर्स